अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं सादी टैक यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी एक पांच टिप्स बताऊंगा कि आप अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन बाय कर रहे हैं या चाहे वो सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन हो चाहे आप न्यू बाय कर रहे हैं, तो आपको पाँच चीज़ें ऐसी मैं बताऊँगा कि जो आप मद्देनज़र रखते हुए अगर मोबाइल फ़ोन लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो मोबाइल फ़ोन बहुत ही अर्से तक फ़ायदेमंद साबित होगा। सो आप आज की वीडियो और लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। पांच ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपने मोबाइल फ़ोन को चूज़ करने में बेटर फील कर सकेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मैं इस चैनल पर बहुत सी अच्छी अच्छी और भी वीडियो लाता रहता हूं और साथ में बेल आइकॉन का बटन पर क्लिक कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक पहुँच रहे। बिल्कुल दोस्तों, वीडियो अगर आप एक नया मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं तो आज आपको पॉइंट टिप्स दूंगा। तो सबसे पहले टिप्स है कि शेप कैसी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको 5-6 इंच का मोबाइल की तस्वीर जो पिक्चर होनी चाहिए, जो उसका शेप होनी चाहिए, तो ताकि आपकी जेब में वो अच्छी तरह आ सके और उसकी हैंड फील भी अच्छी हो। तो उसके बाद बारी आती है मेमोरी की। मेमोरी आपकी मोबाइल फ़ोन की कितनी होनी चाहिए, तो लगभग कम से कम आपकी मोबाइल की मेमोरी 12 GB होनी चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ पर उस मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन भी स्टोर करनी है, कुछ डाटा भी स्टोर करना है, कुछ आपने पर्सनल चीज़ें भी स्टोर करनी होगी, तो आपकी 12 GB मेमोरी ज़रूर होनी चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों बारी आती है रैम की। तो दोस्तों कम से कम रैम आपकी 2 GB होनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ज़्यादातर इसी वजह से हैंग होते हैं, जो जिनकी रैम कम होती है। 1 GB नहीं होनी चाहिए, कम अज़ कम 2 GB होनी चाहिए, जिससे आपके जो है लॉन्चर और एप्लीकेशन भी आपको वो मुसलसल चलाता रहेगा, आपको मोबाइल फ़ोन और हैंग नहीं होगा। सो उसके बाद आता है कैमरे का ऑप्शन। तो कैमरा आपका कम अज़ कम दोस्तों 8 MP होना चाहिए, क्योंकि आप लोग फ़ोटोग्राफी भी करते हैं, तो उसमें अगर आप फेसबुक पर या किसी और भी एप्लीकेशन पर आपने कुछ पिक्चर अपलोड करनी हो तो वहाँ पर उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप 8 से 12 मेगापिक्सल, कम अज़ कम आपका 8 MP होना चाहिए मोबाइल फ़ोन का कैमरा। सो ये थी कैमरे की अपडेट। उसके बाद जो ऑप्शन आता है बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल, वो है बैटरी। मोबाइल फ़ोन की बैटरी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा मसरूफ़ वक़्त दिन गुजारते हैं तो आपको मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी बढ़िया चाहिए। तो कम अज़ कम मैं प्रोवाइड करता हूँ कि आपके पास 4000 से 4500 MHz की बैटरी होनी चाहिए, जो 1 से 1.5 दिन आपके आसानी से निकाल जाए। और अगर आप किसी जगह पर गए भी हों, किसी टूर पर गए हों, तब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज करने के बाद आपका 1 से 1.5 दिन लगभग निकाल जाए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।